स्वागत बंधन। आज हम दशम कक्षा या संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। शेमुषी द्वितीय भाग है। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये पाठ है पंचमा है। जननी तुल्य वत्सला माता समान रूप से क्या होती है? प्यार करने वाली होती है। और ये महाभारत वन पर्व से और ये कथा, ठीक है। पाठ का थोड़ा सा परिचय। कस्तोयम पाठ महर्षि वेद व्यास ऐतिहासिक ग्रंथ से महाभारत अंतर्गत वन पर्व इत्यादि यम कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। अस्य अभिशितः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानः मानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुं वात्सलं प्रकर्षणाय भवति। यह जो पाठ है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया। यह जो कथा है सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती। इसका इच्छित अर्थ है कि वो समाज में विद्वान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का प्रेम अधिक ही होता है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। इसके पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। कश्चित् कृषकः बलि वर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणं कुर्वन्नासि तयो बलि वर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जमीन दुर्बल है कमजोर गन्तुं शक्त चासि अतः कृषकः किसान तं दुर्बलं दशवं तोदनेन नुद्यमानः अवर्धत कर रही हूँ शोकम करूंगी। कौशिक अब यहाँ पर
अनुवाद समझते हैं, कोई किसान दो बैल बैलों से खेत को जुताई कर रहा था, दो बैल लेकर के वो अपने खेत की जुताई कर रहा था, और उन दोनों बैलों में से जो शरीर था, एक बैल का जो शरीर था वो कैसा था, कमजोर था, और तीव्र गति से वह चलने में, जब शरीर कमजोर था तो वो चल भी नहीं पा रहा था, वो तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अब किसान क्या है, उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए क्या कर रहा था, हांक रहा था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में क्या हो गया, गिर गया। तो जब वो बैल गिर गया तो किसान को क्या आ गया, क्रोध आ गया, और किसान ने क्रोध क्रोधित किसान ने उठाने के लिए उसको क्या किया, बहुत बार उसको प्रयास किया, लेकिन फिर भी बैल क्या हुआ, नहीं उठा, बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की जो माता सुरभि की दोनों आंखों से क्या आ गए, आंसू आ गए। जो सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के जो राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे कल्याणकारिणी क्यों ऐसे रो रही हो, बताओ। वह कहती है कि हे देवेश्वर, आप लोगों की कुछ भी अवनति नहीं दिखाई देती है। इंद्र, मैं तो अपने पुत्र के लिए क्या कर रही हूँ, शोक कर रही हूँ, इसलिए रोती हूँ। अर्थात जब इंद्र ने सुरभि से देवलोक वासियों मनुष्यों तथा गायों की कुशलता के विषय में पूछा तो वह कहती है कि मुझे देवताओं पर तो कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो पृथ्वी पर अपने किसके लिए रो रही हूँ, पुत्र के लिए रो रही हूँ। ऐसा यहाँ पर गाय का नाम क्या आया है, सुरभि, है ना। तो इस प्रकार से वह इंद्र देवता को उन्होंने कहा कि मैं किसके लिए रो रही हूँ, अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम् रोदिनी सह दीन इति जानन्नपि कृषिकाः तं बहुधा पीड्यति सह पृच्छेत् भारयुद्ध वहति इतर्वी धुरं वोढुं सह न शक्नोति एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्युवाच। भद्रेणूनं सहस्र सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतत्स्वपि तव अस्मिन् नैव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इन्द्रे पृष्ट्वा सुरभिः प्रत्यवोचत्। यदि पुत्र सहस्रं मे सर्वत्र सममेव मे दीनस्य तु सतः शुक्रः पुत्रस्याभ्याधिकः कृपा। अन्वयसमजी, यदि मे पुत्र सहस्रं सर्वत्र मे समम् एव शुक्र पुत्रस्य दीनस्य सतः तु कृपा। दूसरों के समान अपरम एक बुरम माने जुए को गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा जाता, धुरा बोरू धोने के लिए, धो योग्यम। प्रत्युवाच, कहा या जवाब दिया, उत्तरम दत्तवान नूनम निश्चय निश्चय सहस्त्रम हजार दश शतम सत सतस्वपि होते हुए भी सतसु धन अपि वात्सल्यम, मैंने वात्सल्य का मतलब होता ममता या स्नेह, सतह होने पर अभ्याधिका अधिक रहती है या अधिक भवती शक इंद्र या इंद्र, ठीक है। आप इसके बाद चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर इसके अनुवाद को समझते हैं। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देख कर मैं रो रही हूँ, वह दुखी है, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत पीड़ित कर रहा है, वह कठिनाई से भार हो रहा है, दूसरों के समान वह जुए को, यानी गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कहाँ रखा जाता है, कंधे पर रखा रहता है, अर्थात वह ढो रहा है, यानी बहन जो कर रहा है वह ढो नहीं पा रहा, क्योंकि अब
का जो कंधों पर रखा जाता है बैलों के, वो बहन मतलब जो वो नहीं पास नहीं कर सकता, तो क्या यह आप देख नहीं, ऐसा सुरभि ने कहा। हे कल्याणकारिणी, निश्चय ही हजारों से भी ज्यादा पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र तुम्हारे मतलब इस पुत्र पर ऐसा वात्सल्य ममता किस लिए है? इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यद्यपि मेरे हजार पुत्र हैं, फिर भी सभी जगह मेरे लिए क्या है, समान ही है। हे इंद्रदेव, पुत्र के दीन होने पर तो माता है बड़ी कृपा भी रहती, माता की जो कृपा है अधिक रहती है, ऐसा सुरभि ने कहा। आगे बहुन बहुन पत्यानि में संतीति सत्यम तथा अप्य अमेति अस्मे पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना मनुभवामि यतो हि आय मन्येभ्यो दुर्बला सर्वेश्व पत्येषु जननी तुल्यवत्सला ए तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्या दिगा कृपा सहजे इति सुराभि वचनम, यानी सुरभि के वचन को सुरवा सूत्रवाणी सुनकर भ्रशम विस्मित्य तस्या खंड खंड लस्यापि हृदय द्रवत सचा तमेव तमेव मसा सांगत्य तमेव मसा सांगत्य वृक्ष वत्से सभद्रम जायते अचिरादेव चंडमाते मेघ रवैश्य सह प्रवर्षा समझाया लोकानां पश्यताम एक सर्वत्र जलो पपलवः संजाता कृषिका आशक हर्षाति रेके कर्षण विमुखः सन दृष्भौ नीत्वा ग्रह मागत ग्रह ग्रह मागा अपत्येषु चा सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने दूषा माता प्रपात हृदय भवे प्रपात हृदय भवे अन्वय समझिए सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला दीने च पुत्र तु सा माता कृपा आद्र हृदय भवे। अब चलिए इसके थोड़े से अनुवाद को समझेंगे, शब्दार्थ और अनुवाद। अपत्यानि यानी संता संत तया विशेष्य विशेषता या विशेषता वेद नाम यानी कष्ट को या पीड़ा पीड़ा दुखम यतो ही क्योंकि तुल्यवत्सला समान रूप से प्यार करने वाली जो माता होती है प्यार करने वाली सहजैव यानी स्वाभाविक ही सहज रूप से दृष्टा माने बहुत अधिक अधिक अत्यधिक सुते पुत्र पर है ना तने अखंड लस्य इंद्रता देवराजस्य इंद्रस्य अदवत आद्रवत जो होता है द्रवित हो गया है द्रवितम अभव ठीक है। फिर है आसन तवयत यानी सांत्वना दी गई या दिलासा देना सांत्वनम दत्तवान ठीक है। फिर है समा समाश्वास्य भद्रम कल्याण कल्याणम अचिरात शीघ्री या शीघ्रम चंडवाते चंड प्रचंड वायु से बेगुता वायु मेघ प्रवाही बादलों के गर्जन से मेघ से गर्जन प्रवर्ष यानी वर्ष या वृष्टि जलोप प्लव यानी जल का भराव जलस्य उप उपलब संजाता हो गया हुआ कर्षण विमुखा जोतने के काम से विमुख होकर कर्षण करना विमुखा फिर वृषभ यानी दोनों बहनों को वृषभ आगत यानी गया अगच्छत नित्वा लेकर स्वीकृत कपार्द हृदय कपा से द्रवित हृदय वाली यानी कपा आर्द हृदय। चलिए अनुवाद समझे, मेरी बहुत संतानें हैं सत्य फिर भी मैं इस पुत्र का विशेष कर अपने कष्ट को अनुभव करती हूँ क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सभी संतानों पर माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की कृपा जो है स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है। सुरभि की बातों को सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय द्रवित हो गया और उस इंद्र ने उस सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी।
जाओ पुत्री सबका कल्याण होगा। सीख ही प्रचंड वायु बादलों के गर्जन के साथ क्या होती वर्षा और लोगों को देखते हुए सब जगह जल का भरा हो गया। किसान अत्यधिक प्रसन्नता के कारण जोतने के काम से विनो कुकर दोनों बैलों को लेकर घर गया। सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है और दीन पुत्रों पर तो माता जो माता है वह माता कृपा से द्रवित हृदय वाली होती है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको पाठ को पढ़ाया समझाया। अब आप इस पाठ को बहुत अच्छे से कॉपी में लिख करके याद करते जाएंगे। धन्यवाद।